हेलो व्यूवर, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करता हूँ आपको अपने चैनल बजीबार लवर में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। व्यूवर्स, आज मैं अपने बर्ड्स के लिए ब्रीडिंग फार्मूला बनाने जा रहा था, तो सोचा मैंने कि आपके साथ वीडियो बना के शेयर किया जाए। तो आज मैं अपने बर्ड्स के लिए ब्रीडिंग फार्मूला बनाने लगा। तो चलाएँ मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं अपने बर्ड्स को कौन सा ब्रीडिंग फार्मूला इस्तेमाल करवाता हूँ। चलाएँ वीडियो शुरू करते हैं। ब्रीडिंग फार्मूला बनाने के लिए हमें जो जो सी चीज़ों की ज़रूरत होगी वो चीज़ें मैं आपको बता दूँ। पहले नंबर पे ये दाना, मेरे पास फिलहाल मिक्स दाना पड़ा हुआ था, तो मैं उसी का बनाने लगा। ये देखें मिक्स दाना, इसमें कनेरी सीड भी है और सूरजमुखी के बीज भी हैं, और भी बाजरा वगैरह और भी काफ़ी चीज़ें हैं। तो आप हो सके तो आप बाजरे के अंदर मिक्स करके ये फार्मूला बर्ड्स को दें तो वह भी आपको फ़ायदा होगा, लेकिन मैं हमेशा इसी तरह से यूज़ करवाता हूँ मिक्स दाने के अंदर ही। तो मैं आपको मिक्स दाने का बता रहा हूँ कि मिक्स दाने के अंदर किस तरह से इससे भी आपको आपके बर्ड्स को अच्छा इफेक्ट मिलेगा। जल्दी से जो पेड़ नहीं लगे वो जल्दी से पेड़ लग जाएंगे और आपको अच्छी से अच्छी ब्रीड आएगी। तो व्यूअर्स, दूसरे नंबर पे ये व्यू उनका, ये अगर मेरा कैमरा फोकस करे तो ये ईवीएम का कैप्सूल है 400 ml का। उसके अलावा ये ईवीएम का कैप्सूल है 600 ml का। ये देख लें व्यूअर्स, ये 600 ml का कैप्सूल है और ये भी 400 ml का कैप्सूल है। हमने इसके अंदर 600 ml का एक कैप्सूल और 400 ml का कैप्सूल मिक्स करना, और किस चीज़ में मिक्स करना है वो भी आपको दिखा दूँ। ये कुकिंग ऑयल है, ये मैंने 3 चाय के चम्मच मैंने कुकिंग ऑयल लिया है। अगर हो सके तो आप जैतून का ऑयल भी इस्तेमाल करें, उससे भी काफ़ी फ़ायदा होगा, लेकिन मेरे पास था नहीं तो इसलिए मैंने कुकिंग ऑयल, आम जो कुकिंग ऑयल बाज़ार से मिलता है तो आप वो इस्तेमाल करवा सकते हैं। ठीक, दाने की मैं आपको मकदार बता दूँ। मेरे पास दाना 1 kg है। ये 1 kg के अंदर मैं आपको ब्रीडिंग फार्मूला बनाना सिखाऊंगा। ये आपको मैं तोल के भी दिखा दूँ, ये मेरे पास तराजू पड़ा होगा, ये देखें, ये देखें 1 kg, 1 kg मेरे पास मिक्स दाना है। उसके अलावा पहले आपने ये दाने को परात के अंदर डाल लेना है। ये देखें मैंने एक परात ले लिया है, इसके अंदर मैं दाना डाल दूंगा और इस दाने को आपने हल्की आंच पे ना थोड़ा सा गर्म करना है, ताकि इसके अंदर ना ये जो हम ये चीज़ें मिक्स करेंगे ऑयल, ये आसानी से दाने के अंदर मिक्स हो जाए। तो चलिए मैं परात के अंदर डालता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। व्यूअर, ये देखें मैंने परात के अंदर डाल लिया, तो ये मैंने चूल्हा जलाने लगा, चूल्हा जला के आपको दिखा देता हूँ। हल्की आँच आप कर लेनी है, हल्की आँच, ये देखें बिल्कुल हल्की आँच पे आपने, ये देखें ये इतनी आँच होनी चाहिए, ये आपको मैं दिखा दूँ, ये देखें। ज़्यादा करेंगे तो आपका दाना सड़ भी सकता है। इस आँच पे इसे हम ज़रा गर्म करेंगे थोड़ा सा, तो उसके बाद आपको मिक्स करके दिखाते हैं। ये मैं कोई चीज़ ले लेता हूँ तो उसके साथ मिक्स करता हूँ। आपने कोई चम्मच ले लेना, मुझे तो प्रैक्टिस है, मैं ऐसे ही कर रहा हूँ। तो जैसे ही गर्म होता मैं फिर आपको दिखाता हूँ। तो व्यूअर्स, ये दाना हमने काफ़ी गर्म कर लिया है, तो अब हम इसमें ईवियन कैप्सूल, ये जो आपके सामने हमने रखे थे ये वाले 600 mg और 400 mg का कैप्सूल, इसको हम ऑयल के अंदर पहले मिक्स करेंगे और ये जो ऑयल है इसके अंदर मिक्स करेंगे। तो चलाएं ये, इसको हम काट के डालते हैं, गिर गया। इसको आपने कैंची की मदद से छोटा सा काट लेना, और ये देखें, ये देखें, ये आपने
इसके अंदर डाल देना। इसको अच्छी तरह से आपने इसके अंदर से जो इसका लिक्विड होगा वो आपने निकाल लेना और इसके अंदर डाल देना। और ये आप 600 mg का कैप्सूल, इसको भी आपने खोल लेना। इसी तरह से आपने इसके अंदर डाल लेना। देखिए 600 mg का कैप्सूल इस तरह का होगा ईवीएम का, इसको भी आपने कैंची की मदद से काट देना। ये देखिए इसको भी आपने बीच में मिक्स कर देना। ये कैंची पे भी कुछ लग गया तो इसके अंदर हम इस तरह से कर देंगे बीच में। ले लिया हमने डाल लिए, तो अब इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स करना। ये देखें तो हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना ताकि जो कैप्सूल हमने डाला है उसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और अब आपने इसके अंदर से किस तरह से मिक्स करना है ये देखें। आपने दाना ले लेना और ये देखें इस तरह से करके आपने इसके अंदर डालते जाना। अच्छी तरह से इसके अंदर आपने डाल लेना। ये ऑयल कुछ इसके ऊपर भी लगा हुआ तो आपने दाना लेना तो इसको भी अच्छी तरह से आपने डाल के मिक्स करना है ताकि जो ऑयल छेनी के साथ लगा होगा वो इसके साथ दाने के साथ लग जाएगा। ये देखें इस तरह से आपने सारा दाना मिक्स कर लेना। फिर मैं आपको अब मिक्स करके दाना दिखाता हूँ। ये सारा मैंने उतार लिए। अब इसको मिक्स करते हैं। हमें अच्छी तरह से इसे मिक्स करना है ताकि हो सके तो हाथ से मिक्स करें, ताकि मैं आपको दिखा दूं एक मिनट हाथ से मिक्स करके। ये देखिए इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि जो भी आपने इसके अंदर डाला है वो अच्छी तरह से देखें। देखें व्यूअर्स अच्छी तरह से सारा कैप्सूल और ऑयल वगैरह सारा अच्छी तरह से दाने को लग जाएगा। अच्छी तरह से इसको आपने मिक्स करना है और अपने बर्ड्स को दें, किसी भी किस्म के जो बर्ड्स हैं उनको दें, लव बर्ड हैं दूसरे हैं सबको आप इसी तरह से मिक्स करके दें। इंशाल्लाह आपके पास जल्द से जल्द ब्रीड आएगी और अच्छी ब्रीड आएगी। तो होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल बजीज बर्ड लवर को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।